गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लयाल पब्लिक स्कूल। वंस अगेन आई एम शिल्पी भार्गव। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एट होम एंड एंजॉय योर क्लासेस। यस स्टूडेंट, इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश टू। ओके, इन द लास्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश टू वी लर्न अबाउट नेम ऑफ वर्कर्स। जो हमारे घर में या हमारे सराउंडिंग में जो लोग काम करते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था। इन आर टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू आर नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर इज 12, वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ नाउन मतलब जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। उनको क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। ओके, समझ में आया? मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? अ प्रोनाउंस इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। जो वर्ड नाउन की जगह लेते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, जैसे कि कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? वो ही, शी, इट, दे, देम, है ना, ये सारे वर्ड्स होते हैं। ओके, समझ में आया आपको? प्रोनाउंस कैन डू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट नाउंस कैन डू। प्रोनाउंस मतलब हर वहां जगह यूज किए जा सकते हैं जहां पर हम नाउन को मतलब सब्जेक्ट को यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन होती है ना, प्रोनाउन सर्वनाम, जो सब संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, दैट इज द डेफिनेशन। ओके, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। जो वर्ड्स नाउन की प्लेस लेते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस। सो फर्स्ट इज लुक एट हियर। देखो आपकी पिक्चर का क्या है? यस, है ना, ये देखो। लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंस। देखो हम पिक्चर देखनी है हमें पहले और फिर हमें सेंटेंस रीड करना है। यस स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एंड रीड विद मी। इज दैट क्लियर? यस। यहाँ पर देखो आपको कुछ जो वर्ड्स हैं वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं और कुछ जो वर्ड्स हैं वो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं। जो ब्लू वाले वर्ड्स है ना, आई मी वी अस वी, है ना, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। ओके, आई एम अ बॉय। अब यहाँ पे क्या हो सकता था? यहाँ पे देखो आई एम अ बॉय लिखा है, मैं एक लड़का हूं। लुक एट मी, मुझे देखो। यहाँ पे क्या हो सकता था? राम इज अ बॉय, है ना, या कोई और नेम भी लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे नाम की जगह हमने आय लिख दिया है। आय एम अ बॉय, आय इज प्रोनाउन। ये एक नाम की जगह यूज किया गया है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? लुक एट मी, लुक एट मी, मुझे देखो। हियर आई एंड मी स्टैंड फॉर द बॉय। हियर I and me stand for the boy. जो यहाँ पर here मतलब जो यहाँ पर I और me use किया गया है, वहाँ पे ये इस बच्चे के लिए use किया गया। We are boys. ये देखो two boys है ना? We are boys. तो इन्होंने ये से नाम तो नहीं लिखा, राम श्याम are boys नहीं लिखा ना, तो उसकी जगह क्या use किया? We use किया। We are boys. Look at us. हमें देखो। Here we and us stand for the boys. अब देखो जब एक जने की बात हो रही होती है तो हम वहां पर I लिखते हैं, है ना, लेकिन जब दो जनों की एक साथ बात हुई हुई होती है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं? We. Here we and us stand for the boys. Okay, is that clear? जब कभी भी वन पर्सन की बात होगी तो I आएगा, मतलब अपने लिए जब हम बात करते हैं तो I आएगा, और जब हम अपने फ्रेंड के साथ बैठ कर बात करते हैं तो वहां पर वी आएगा। और थर्ड वन इज यू। यस, थर्ड वन इज यू आर अ पीपल। आई लाइक यू, आई लाइक यू। तुम, अब देखो ये टीचर है, ये एक बच्चा है ना, पीपल मतलब छात्र भी होता है ना,
विद्यार्थी, है ना, जैसे कि आप लोग हो स्टूडेंट्स, यस, ये टीचर है, ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट है या मम्मा है और बच्चा है, ऐसे भी देख सकते हो आप। देखो तो ये क्या कह रही है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है इसलिए हम इसको टीचर कह देते हैं। ओके, तो जो ये टीचर है और ये बच्चा है, ये क्या कह रही है, यू आर अ पीपल, आई लाइक यू, आप बच्चे हो और आप एक छात्र हो और आई लाइक यू और मैं आपको पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति के बारे में बात हुई ना, दूसरे जने के बारे में बात हुई ना यहाँ पर, यस। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यू। दूसरे जने के लिए हम क्या, दूसरे व्यक्ति के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू। हियर यू एंड यू स्टैंड फॉर द पीपल, ओके। ये इस बच्चे के लिए यूज हुआ है, ही इज अ बैगर, ही इज अ बैगर। ये कौन है, बैगर, भिखारी है, भिखारी को क्या बोलते हैं हम, बैगर, यस। लुक एट हिम, जो ये बच्चा है ये क्या कह रहा है, लुक एट हिम, देखो इसे। तो जैसे कि मैम ने आपको पहले भी बताया है, ही का हम यूज किसके लिए करते हैं, फॉर बॉयज और फॉर गर्ल्स, यस, फॉर बॉयज, मतलब मेल के लिए यूज करते हैं हम ही का, ओके। ही इज अ बैगर, यह एक बैगर है। लुक एट हिम, इसे देखो। हेयर ही एंड हिम स्टैंड फॉर द बैगर, यहाँ पर जो हिम और ही यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है, बैगर के लिए यूज हुआ है, ओके। नेक्स्ट इज शी इज अ नर्स, ये देखो, लुक एट हर, शी, जैसे कि मैम ने आपको बताया फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं और मेल के लिए हम ही यूज करते हैं, ओके। और ही के साथ हिम का यूज करते हैं और शी के साथ हर का यूज करते हैं, इज दैट क्लियर, ओके। देखो शी इज अ नर्स, यह एक नर्स है, लुक एट हर, इसको देखो। तो यहाँ पर शी और हर किसके लिए यूज किया गया है, नर्स के लिए यूज किया हुआ है, ओके। शी टेक केयर्स अस ना व्हेन वी आर सिक, नर्स कब, नर्स क्या करती है, जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल करती है ना, यस। नाउ नेक्स्ट इज इट इज अ ट्री, इट इज अ ट्री, टच इट, यस। अब देखो इट है, ये किसके लिए यूज किया गया है, ट्री के लिए। टच इट, ये वाला इट भी किसके लिए यूज किया गया है, ट्री के लिए। हेयर इट एंड इट स्टैंड फॉर द ट्री, यहाँ पर जो इट है वो किसके लिए यूज किया गया है, ट्री के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, जैसे हम इट को वहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे टेबल, चेयर, है ना, इन सब चीजों के लिए हम किसको यूज करते हैं, इट, ओके। दे आर बॉयज, दे आर बॉयज, लुक एट देम, देखो अभी यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम, लिख सकते ना द चिल्ड्रन आर हियर, ओके। अभी हमने क्या लिखा है, दे आर बॉयज, क्या, दे आर बॉयज, है ना, लुक एट देम, इन्हें देखो। तो यहाँ पे दे और देम किसके लिए यूज किया गया है, बॉयज के लिए। हम यहाँ पे बॉयज के नेम भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन हमने नेम नहीं लिखा क्योंकि हमें प्रोनाउन का यूज करना है, ओके। तो दे और देम किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, बॉयज के लिए, यस। एट नंबर, दे आर फ्लावर्स, स्मेल देम, देखो यहाँ पर फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, यस। तो लुक एट देम एंड स्मेल देम, यस, ये फ्लावर्स हैं, अब ये फ्लावर्स हैं और हम इनकी स्मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे और देम किसके लिए यूज किया गया है, फ्लावर्स के लिए, किसके लिए यूज किया गया है, फ्लावर्स के लिए यूज किया गया है, ओके। सो नेक्स्ट इज टर्न योर पेज फ्रेंड्स, यस, वेरी गुड, ओके। द वर्ड आई यू ही शी इट वी दे मी अस देम विच आर यूज इंसेट ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, जो ये जो वर्ड्स हैं जो नाउन के बजाय, इंसेट मतलब नाउन, इंसेट मतलब बजाय, मतलब नाउन की जगह बोले जाने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, और जो आई होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज किया जाता है। आप कभी भी देखना आई को कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले आई एम, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ये तो आपको पता ही है, लेकिन आई को हमेशा कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लर्न,
Yes, the pronouns he and him stand for one boy or one man. जो मैंने जैसे कि मैंने भी आपको बताया he किसके लिए यूज करते हैं हम फीमेल के लिए करते हैं ना बॉयज के लिए सॉरी मेल के लिए यूज करते हैं बॉय हो चाहे मैन हो ओके तो हम he के साथ him का यूज करते हैं ओके एंड नेक्स्ट इज she और her हम किसके लिए यूज करते हैं वन गर्ल और वन वुमेन के लिए एक गर्ल के लिए मतलब फीमेल के लिए यूज करते हैं शी और उसके साथ हम क्या यूज करते हैं हर इज दैट क्लियर यस द प्रोनाउन इट स्टैंड ऑफ एन एनिमल प्लेस थिंग विदाउट लाइफ जिन चीजों के पास लाइफ नहीं होती है ना और उनके लिए एनिमल्स के लिए और प्लेसेस के लिए हम किसका यूज करते हैं इट का यूज करते हैं जैसा कि अभी हमने बोला था ना इट इज अ ट्री है ना ऐसा देखा था ना अभी लाइक दिस ओके द प्रोनाउंस दे एंड देम स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग दे और देम है ना ये किसके लिए यूज होता है पर्सन के लिए एनिमल के लिए भी यूज हो सकता है प्लेस के लिए भी हो सकता है और थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन जैसा कि मैम ने आपको बताया जो प्रोनाउन है वो किसकी जगह पर बोले जाते हैं नाउन की जगह पर ओके नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या होता है प्रोनाउन ओके स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर एंजॉयड टुडेज क्लास वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग टिल देन यू लर्न इट एंड रीड द लेसन वेरी केयरफुली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग विद बुक एक्सरसाइजेस ओके थैंक यू